नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लाल मिर्च का भरवा अचार बनाना सिखाऊंगी, जो इतना स्वादिष्ट बनेगा कि आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। इसमें बहुत थोड़ी सी सामग्री लगती है और बहुत सी थोड़ी सी सामग्री लगा के बहुत ही थोड़े समय में यह तैयार हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ स्वादिष्ट लाल मिर्च जो जाड़े में बहुत मिलता है उसका भरवा अचार बनाने की विधि। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें जो जो सामग्री चाहिए होगी वो सबसे पहले हम आधी कटोरी खटाई लेंगे और ये अचार का मसाला है और ये राई है। तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में होगी, उसमें लगभग आधी चम्मच हींग भी है राई में। राई को मैंने घर पे ही कच्चा ही पीस लिया है दरदरा, और ये पहले ये 15-20 मिर्चें मैंने ली हैं और एक मिर्च मैंने आपको काटने के लिए दिखाने के लिए रखी है इसको मैं कैसे काटी हूँ। इसका पहले ऊपर की टोपी निकाल दी हूँ और उसके बाद उसमें से जो मिर्च के बीज थे सबको मैं उसको निकाल लूँगी। मिर्च के बीज निकालने की विधि भी आपको मैं दिखा दे रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ये देखिए इस तरह निकालते हैं, चक्कू से अंदर उसको खरोच लेते हैं और पूरा मिर्च एकदम खाली हो जाता है। मैंने सारी मिर्चें पहले से ही इसी तरह करके रख ली थी, खोखली कर ली हैं। अब मैं अचार तैयार का मसाला तैयार करूँगी और मसाला तैयार करने के पहले जो बीज है उनको मैं जो थोड़े थोड़े बड़े टुकड़े हैं उनको छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। छोटे टुकड़ों में काटने के बाद मैं उसमें पहले राई हींग मिलाऊँगी, फिर खटाई मिलाऊँगी। ध्यान रहे तीनों चीज़ बराबर मात्रा में ही रहती है। और ये अचार का मसाला है, अचार का मसाला बनाने की विधि मैंने आम के अचार में दे रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक से आप देख लीजिएगा अचार का मसाला कैसे बनाते हैं। और फिर नमक भी लगभग 1.5 गुना लेते हैं क्योंकि नमक ही प्रिजर्वेटिव का काम करता है। वैसे तो राई भी प्रिजर्वेटिव का काम करती है लेकिन नमक से ज़्यादा देर तक अचार टिकता है और ज़्यादा दिनों तक टिक जाता है। अब मैं सारे मसाले में नमक भी मिला लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये कड़वा तेल है, लगभग आधी कटोरी कड़वा तेल लिया है मैंने, देखिएगा मैं इसका यूज़ कैसे करूँगी। अब मैं सारे मसालों को अच्छे से मिला लूँगी और अच्छे से मिलाने के बाद ही मैं मिर्च में भरूँगी। ये देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैंने जो खोखली मिर्च रखी थी उसको एक एक करके मैं सारे मसाले भर के एक प्लेट में रखती जाऊँगी। ये देखिए मिर्चें कैसे भरते हैं इसकी भी विधि मैं आपको दिखा दे रही हूँ। खूब अच्छे से मिर्चें या किसी सलाई की मदद से खूब अच्छे से मसाला कायदे से भरना है, बहुत ठूस ठूस के मसाला भरना है ताकि मिर्चें में अचार का मसाला इतना भर जाए कि मिर्च एकदम टाइट टाइट लगने लगे। एक एक करके मैं इसी तरह सारी मिर्चें भर लूँगी। बहुत ही आसान होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि मैं मिर्च कैसे भर रही हूँ। देखिए मेरी सारी मिर्चें भर चुकी है। अब मैं तेल का इस्तेमाल कैसे कर रही हूँ ये दिखा रही हूँ। मैं एक एक मिर्च में थोड़ा थोड़ा तेल भर के और किसी कंटेनर में रखती जाऊँगी। अभी मेरे पास यही कंटेनर खाली था और दूसरी बात इसमें मिर्च खड़ी खड़ी रखा जाएगी इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अब एक एक करके मैं सारी मिर्चों में तेल डाल के रख लूँगी। ये देखिए सारी मिर्चों में तेल जब भर जाएगा तब मैं जो बचा हुआ तेल है उसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। ये देखिए मेरी सारी मिर्चें तेल से सराबोर हो चुकी हैं, बस दो बची हैं। अब इनको भी मैं तेल से सरा नहला दूंगी और तेल से नहलाने के बाद मैं जो भी तेल बचा हुआ सारा तेल इसमें डाल दूंगी। तो तैयार हो गया स्वादिष्ट लाल मिर्च का अचार। आप भी बनाइए
और खाइए और खिलाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बना करने के बाद बताइएगा कि कैसा बना था। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।